पर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जो कि हाट में अभी असदुद्दीन ओवैसी की सभा ख़त्म हुई है और यहाँ पे ज़बरदस्त भीड़ थी किसान कॉलेज ग्राउंड में। हेलीकॉप्टर से भी वो रवाना हुआ है। देख लिया रैली? जी हाँ, हेलीकॉप्टर देखने आए थे या ओवैसी साहब को? ओवैसी साहब को देखने आए थे हम। ओवैसी साहब के बहुत बड़े फैन हैं जी। अच्छा, इस बार वोट किसको करना है? पतंग साहब को। देखिए, जो कि हाट की लड़ाई आरजेडी कांग्रेस एमआईएम के बीच बनी है, ये लड़ाई एक एजुकेटेड कैंडिडेट और अनएजुकेटेड के बीच में है। कौन अनएजुकेटेड है वो आप डिसाइड कीजिएगा। हम पब्लिक का जो रुझान है, पब्लिक नहीं है, हम भी पब्लिक है। तो हमारे नज़र में जो है, हम एजुकेटेड को चुनना चाहते हैं। अब तक हम बहुत अनपढ़ को चुने हैं, लेकिन अब जो कि हाट की जनता अपने आप में मुख्तार है। हम लोग तो ये चुने कि हम लोग सीमांचल का रहने वाले हैं, हम लोग सैलाबी एरिया में रहने वाले हैं, हमारे साथ कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर का जो जितने भी मुंतजिम कार हैं, हमारे जनता जो परेशान रहती है उसका खबर कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ इस बार ये मतलब नीतीश कुमार और ये लालू के ख़िलाफ़ में एक ऐसा मसीहा उतरा है जो कि हमारा फरियाद सुनने वाला है। इसलिए मैं उसका पतंग छाप। उम्र मेरा 25 साल है। 25 साल। इस बार वोट? इस बार वोट पतंग छाप को। पतंग छाप को जी। ओवैसी साहब आए चले गए? जी आए तो गए। क्या क्या बोले? जितना भी बोले हम सब। क्या क्या बोले? बहुत अच्छे अच्छे बात बोले। क्या बोले? बोले यही कि हमें इस बार कामयाब कीजिए, वोट दीजिए और शाहनवाज आलम को। ये तो पता चला ना कि वो क्या कहा वोट मांग रहे हैं, वो क्यों वोट दीजिएगा आप, ये तो बताइए। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर दसना बाजार हुआ। दसना बाजार तो जी। क्या क्या बोले वो बताइए ना, कहा है उसको वोट कीजिएगा ये तो बताइए दोस्त। वो अच्छे लीडर है। अच्छा। और वो गरीब को समझते हैं और दलित को समझते हैं, वो हक हकूक का बात करते हैं जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया भाषण, बहुत अच्छा लगा। वोट किसको कीजिएगा इस बार? इस बार पतंग को करना है। पतंग छाप, पतंग छाप। अरे वो 10 लाख जॉब देने वाली जो बात हो रही है उसका क्या? वो तो झूठा है सर। वैसे भी हमको कहा था कि कोई दस लाएंगे सर, क्या आ गया सर? ये तो यही जुमला खोल, यही तो बात बोलते हैं। जुमला है जी, जुमला सत्ता बनाने के लिए एक। कोई बोलता है 10 लाख, कोई बोलता है 19 लाख। क्या सर, पिछले वादों जो किया गया हुआ वादा कहा गया? यहाँ की आवाम सिर्फ ये चाहती है। नेता फिर क्या वादा किया? क्या हमारा हमारा नेता किया? हमारा नेता तो यही बोला किया ना, नेता उपचुनाव में जैसे हमारा 2 साल का हुआ है, हमारा नेता काम किया है। अच्छा। जैसे हॉस्पिटल आप देख लीजिए। ओवैसी साहब क्या बोले, क्या वादा किए? ओवैसी साहब जो ये बोल के गए यहाँ से, हम करेंगे अगले। हम अगर हम इस बार, हम इस बार को हमको मौका दीजिए, इस बार हम लोग हम काम करेंगे। 25 साल किसी को मौका दिए, कम से कम 5 साल दीजिए। मांग है, वादा नहीं किए? नहीं, मांग है। वादा आए थे ना जी, देख लिए? देख लिए। किस रंग का था? हरा कलर। हरा कलर का था। ओवैसी साहब कैसे लगे? अच्छे लगे। अच्छे लगे। उनकी आवाज़ कैसी लगी? उसका आवाज़ भी ठीक लगी। तो इस बार वोट करना है जी लालटेन को? लालटेन को नहीं करना है। पतंग को? पतंग। कमल को नहीं? नहीं। अच्छा, इस बार वोट किसको कीजिएगा? वोट किसको कीजिएगा इस बार? की नाम की शाहनवाज। शाहनवाज, शाहनवाज। शाहनवाज को सरफराज से कोई दुश्मनी है की? कोई दुश्मनी। हेलीकॉप्टर देखने आए थे या फिर भाषण सुनने? शुरू से आखिर तक बोलते रहे। बहुत अच्छा। 10 साल से कोई काम नहीं किए हैं। अच्छा, रोड पुरुट कुछ है ही नहीं। तो वही उसी घर का आदमी है, 2 साल से तो शाहनवाज साहब भी थे। 2.5 साल में जो काम किया और कोई नहीं किया। 40 साल में किया, ये बताइए। बहुत काम किया, पुल पुल पास पास किए। रास्ता है यहाँ से सिसोना जाने वाला, वो तो बदहाल है। अच्छा रास्ता फिर भी 2.5 साल में किए हैं, वो तो बदहाल है। तो फिर कैसे खुशहाल है जब उसका घर का ही रास्ता ठीक नहीं है? तो वो क्या काम किए 2.5 साल में? क्या काम करेंगे बेचारा? तो काम फिर आप बोल रहे हैं अच्छा काम किए? फिर भी अच्छा काम किए 2.5 साल में? फिर भी अच्छा काम किए, बहुत अच्छे काम किए। काम बताइए। हॉस्पिटल बना दिया और क्या बनाया? हॉस्पिटल तो रेफरल अस्पताल तो था पहले से, यहाँ पे लोगों से लगाव अच्छा है इसका समाज। अच्छा, इसलिए वोट कीजिएगा। सबको इज्जत देता है, सबको इज्जत देता है, हर एक उससे मिल सकते हैं। छोटे मारते हैं? मारते नहीं, फिर भी ये जो हमको अच्छे लगे किसी की जो अच्छे हैं तो अच्छे के साथ हम करेंगे ना, वो सबके साथ बिल्कुल
अच्छे पेश आते हैं शाहनवाज भाई। हाँ ये पसंद हो रहा हर एक आता उनको पसंद। लॉकडाउन जो रहा 6 महीना सबसे घर घर जाकर मिला हर वार्ड कि बाहर में बाहर का जो स्थिति था तो जहाँ पे जितना पानी आया और जहाँ पे जाने के लायक था वो गए वहाँ पे, वहाँ पे वो काम किया उन्होंने। तो इस वजह से हम लोग शाहनवाज भाई को पसंद करते हैं। जो यहाँ पे बेरोजगारी की बात है और जो यहाँ पे जो जितने भी पढ़े लिखे हैं वो सब उसके मुद्दे पर कोई बात नहीं करते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब जो है सबके हक की लड़ाई जो लड़ते हैं ये तेजस्वी तो अभी बोल के गए उदाहरण में। तेजस्वी को तो हमने काफी दिनों से जानते हैं जिन्होंने 70 साल बिता दिया। हमने ऐसे झूठे वादे हमने कई देखे हैं। मोदी ने भी कहा कि हमने 10,000 नौकरियां देंगे। क्या करते हैं वो ट्रेन बेच देते हैं और क्या कहते हैं कि लाल किले को गिरवी रख देते हैं। सरकार किसकी बनेगी आपकी? सरकार किसकी बनाएंगे आप? सरकार चाहे जिसकी भी बने जो हमको जो हमारे हित में लड़े जो हमारे हक की लड़ाई लड़े जो सब क्या हमारी सरकार बनाएंगे भाई। अगर हमारी कामयाबी 20 सीट पर हम लड़ रहे हैं अगर हमारी कामयाबी हुई तो इंशाल्लाह हम खुद बनाएंगे अपनी सरकार। अपनी सरकार खुद बनाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है। अब अभी तो हमने यहाँ पे कुछ इस बार वोट किसको कीजिएगा? हाँ पतंग छाप। पतंग छाप को लालटेन छाप से दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं है, नफरत है। क्या ना ना नफरत नहीं है। 15 साल इसको भी दिए, आरजेडी को भी दिए, 15 साल नीतीश कुमार को भी दिए, सबको दिए। इस बार दे के मतलब मेरे को देना है। और क्या मतलब जो विधायक बनेंगे उनसे क्या मांग रहेगी आपकी? बकरा 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 मांग रहेगी। घर कटे बंगाल दिया बकरा नदी में पंडाल होना चाहिए। वो नदी में घर कट रहा है। यही सब हमसे और सड़क बनना चाहिए, स्कूल कॉलेज। हम लोग का स्कूल टूट गया है बकरा नदी के कारण स्कूल टूट गया है। इसलिए इस बार सरकार बदलनी है, विधायक बदलना है। तो शाहनवाज को फिर कैसे जुटाना? वही तो विधायक है। इस बार भी 2 ही साल रहा ना शाहनवाज, तो 2 साल में 1 साल कोरोना में ही चला गया और 1 साल बचा ये इसमें। तो अस्पताल सही क्या तो अब ये रहेगा तब ना काम तो करेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल्ला। कहाँ पढ़ते हो? हम बगरा। कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। हेलीकॉप्टर देखने में मजा आया ना? आया। जितनी दीवानगी तेजस्वी के लिए उदाहाट में देखी गई उतनी दीवानगी जोकीहाट में भी असदुद्दीन ओवैसी के लिए देखी गई। अब ये देखना है कि 7 तारीख को लोग किसके लिए वोट करेंगे। जो भी कैंडिडेट है वो एक ही परिवार का सदस्य है। इस बार 10 तारीख को नतीजा आएगा जनता का मत का, वो तस्लीमुद्दीन परिवार के किस बेटे को चुनते हैं। तब तक खबर सीमांचल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू।